हेलो ये तो एक्चुअली होता था तो इफ यू डोंट गेट इक्वल इधर एक बल्ब इधर आ बेटा ये क्लियर या डॉक्टर साहब ठंडा तेल कितना खतरनाक है और कितने मरीज रोजाना आ रहे हैं अभी एचयू में? अगर आप पूरे पूर्वांचल और उत्तर भारत के जो 10 प्रदेश हैं जिसमें मुझे लगता है कि 50-55 करोड़ लोग रहते हैं, तो सरदर्द और नींद ना आने से लोगों को ये मन में बैठ गया कि ठंडा तेल ही इसकी दवा है। लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते, दवा लेना नहीं चाहते, बस एक ठंडे तेल का शीशी ले करके लगाना शुरू कर देते हैं। दिक्कत ये कि जो ठंडे तेल होते हैं जिसमें कैम्फर मिला होता है, तो कैम्फर अगर अपने जो टॉक्सिक लेवल है उससे कम हो या परमिसिबल लिमिट से कम हो, केवल शरीर को या सिर को या चेहरे नाक को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि पूरे इस नॉर्थ इंडिया में कम से कम 500-600 या 1000 वैराइटीज़ के ठंडे तेल होंगे। मैंने तो 62 तेल जगह जगह से इकट्ठे किए, 62 में से केवल 2 तेल ऐसे थे जिसमें परमिसिबल लिमिट से कम कैम्फर था, बाकी सब में देखिए कैम्फर जो कपूर की मात्रा है बहुत ज़्यादा है, किसी में 15 इक्विवेलेंट है, किसी में 25 है, 30 है, 35 तक है। तो जितना ज़्यादा कपूर का तेल उतना वैसा लोग नाम रख देते हैं, जैसे शिव पार्वत या हिम पर्वत या पहाड़ों के नाम रख देंगे, ठंडा प्रदेश रख देंगे, बर्फ़ रख देंगे, उससे लोगों को ये लगने लगता है कि शायद इससे हमारा सर ठंडा हो जाए, दिमाग ठंडा हो जाए, हमको सर दर्द ख़त्म हो जाए, नींद आने लगे। तो शुरुआत में तो देखिए आने लगता है, लेकिन है होता क्या है कि 5-10 साल कई मरीज हमारे 25-30 साल से ठंडा तेल जो लगा रहे थे उनमें जब मैंने पूछा बराबर देखता हूँ तो यही है कि आप ठंडा तेल फिर छोड़ नहीं पाते, उसका आपको एडिक्शन हो जाता है। पहले सिर में लगाते हैं, फिर चेहरे पर लगाते हैं, फिर कहीं नाक में लगाते हैं, फिर कहीं नाक से पी जाते हैं, फिर कहीं मंजन कर लेते हैं, कहीं मुँह से भी पी लेते हैं। अच्छा, केवल ठंडे तेल तक ही सीमित नहीं है, और भी जो कपूर रिलेटेड जो बाम है, एक वो जो मलहम आता है जिसमें दर्द के लगाते हैं, तो कई युवा हमसे मिले जो ब्रेड में लगा के खाते हैं, उनको उसका नशा है। कुल मिला के ये एक नशा है, और ऐसा नशा जो हर घर में पहुंच गया है, जगह जगह बिक रहा है। अगर आप कुछ धार्मिक स्थलों को देखें, जैसे चित्रकूट में अगर आप हर अमावस्या को जाएं वहाँ परिक्रमा में, तो वहाँ लाखों लोग आते हैं और ठंडे तेल वहाँ बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और भी छोटे कस्बों में पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरा राजस्थान, गुजरात से लेकर आसाम तक, तो ये ठंडे तेल में ये मैंने देखा कि ऐसे लोगों का 5-10 साल 15 साल में आँख की रोशनी बहुत कम हो जाती है। कई मरीज जैसे 10-12% मरीज ऐसे हैं जिनकी आँख की रोशनी कम हो जाती है और ठंडे तेल का ही ये सेवन करते आ रहे हैं। अभी हमारा अनुसंधान इस क्षेत्र में और आगे बढ़ रहा है कि कैसे आँख की रोशनी का क्या लिंक है ठंडे तेल और कपूर से, तो अभी हम लोग अगले रिसर्च पेपर में पब्लिश करेंगे आने वाले दिनों में। और किस तरह की बीमारियां ये होती हैं, नसों को किस तरह बीमार करता है? अब नसों का क्या है कि देखिए, नसें जो अभी तक हम लोगों के पास जो पेशेंट आए उसमें दिमाग में सूजन, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाना, चला जाना, बार बार चश्मा बदलना, नींद ना आना, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उस तेल न मिलने से या न खाने से वो पर्सनालिटी चेंज, और बाद में कई मरीजों को इन्हीं ऐसे जो मरीज जो 20-25 साल जो ठंडा तेल लगा रहे हैं, कई को मिर्गी और लकवे भी। अब कितना लिंक है कपूर से, ये भी एक रिसर्च अभी विषय है जो चल रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार को आगे आना चाहिए और ठंडे तेल का ये जो पूरा बिजनेस है,
कपूर युक्त चीज़ें हर जगह इस्तेमाल होती, खाने में भी होती हैं, दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जो लिमिट से ज़्यादा है उसका कोई प्रतिबंध कहीं नहीं है। ये बहुत चिंतनीय विषय है।